छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में एक बार फिर धान की फसल कटाई के बाद धुआंधार लकड़ी की कटाई शुरू हो गई है और केंद्र और राज्य शासन के द्वारा पर्यावरण बचाने और हर साल अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु गैर जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मिल करके प्रतिबंधित वृक्षों की कटाई और परिवहन धड़ल्ली से खुलेआम जिला प्रशासन को ठेका दिखाकर किया जा रहा है। पर्यावरण एवं जीवन दयनीय ऑक्सीजन के लिए पेड़ों की होना आवश्यकता है, लेकिन लगातार खबरों के माध्यम से और हमें भी बहुत सारे मीडियाओं के माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ पर अवैध कटाई लगातार जिलों में जारी है और खासकर जिसको हम अर्जुन वृक्ष, जिसको हम छत्तीसगढ़ में कौवा वृक्ष कहते हैं, उनकी कटाई वृहत रूप से जारी है। अभी मेरे को समाचार पत्रों और मीडिया से माध्यम से पता चला है कि यहाँ के जो रेंजर है उनका कहना है कि यदि आप शिकायत करो जाओ, जिसको भी शिकायत करना करो।